नमस्कार दोस्तों, मैं सिंटू कुमार, मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर जिसका नाम है राज सिंटू कुमार। दोस्तों आज थोड़ा नया वीडियो होने वाला है। नया वीडियो इसके लिए होने वाला है क्योंकि आज दिखाने वाला आपको हूं कि जॉइंट को हीटिंग करके कैसे जॉइंट को अगर आउट हो गया हो तो उसको कैसे पास में लाया जाता है, मतलब कैसे उसको लेवल किया जाता है, कैसे उसको 90 ओके किया जाता है। देखिए दोस्तों, एक साइड से मैं पूरा जॉइंट को मैं पूरा मतलब घिस दिया हूँ, घिस करके पूरा कर दिया हूँ और फिर सीधा करना है इसको, तो लगभग 10 मिनट में लगभग टेढ़ा हो गया जॉइंट। तो जॉइंट 10 मिनट टेढ़ा है तो अपना सुपरवाइजर भी यहाँ पे खड़ा है तो वो देख लीजिए, वहाँ पे बता रहे 10 मिनट में लगभग जाएगा अंदर, मतलब बाहर निकलेगा। और तो इसके लिए दोस्तों ये ऊपर में मैं इसको पूरा घिस दिया, इसको मैं तो घिसने के बाद इसको मैं लाइनिंग मार दिया हूँ और इसको आराम से इसको बस इसको हीटिंग करना, हीटिंग मतलब हीटिंग कीजिए, चाहे कैपिंग मार दीजिए तो हीटिंग करके इसके बाद फिर इसको सीधा करना है इसको। देखिए दोस्तों अभी मालूम पड़ेगा आपको, लगभग 10 मिनट में लगभग ये आउट हो गया है। तो 10 मिनट आउट हो गया, इसके वजह से इसको फिर से इसको 90 चेक करके देखना भाई कितना 10 मिनट आउट है, और उसके बाद फिर इसको हीटिंग करके हो चाहे कैपिंग मार, जैसे भी आपको हो वैसे करके इसको फिर से अंदर लेना पड़ेगा इसको। तो देखिए दोस्तों अभी बता दिए हैं कि 10 मिनट लगभग आउट है, तो फिर से इसको हीटिंग में करने के जा रहा हूँ मैं अभी, क्योंकि जॉइंट ऑलरेडी मैं घिस करके रख दिया हूँ घिस करके। तो देखिए दोस्तों अभी ये मैं इसको कैपिंग करने जा रहा हूँ, इसको फिर से सोचता हूँ, इसको फिर से मैं इसको हीटिंग ना करूँ, सीधा इसको कैपिंग मार दूँ, तो जितना आएगा आएगा, नहीं आएगा तो फिर उसको फिर से हीटिंग करना पड़ेगा उसको। सो देखते हैं कितना आता है, चालू कर रहा हूँ मैं अभी। देखिए दोस्तों मैं भी चालू करने वाला हूँ अभी हूँ, तो कैमरा एक दोस्त को दे दिया हूँ जो मेरे पास जो हेल्पिंग के लिए, उनको दे दिया कैमरा कि लो पकड़ो भाई, लो पकड़ करके इसको चालू करता हूँ मैं, तब तो उधर में आप इसको लेके रखो। तो क्या दोस्तों जो यहाँ पे अच्छा सिस्टम एक है कि आपको हमेशा आर्गन टॉर्च का गैस अपने हाथ में रहता है, हमेशा बंद कर रखिए आराम से, और जब चाहिए उस टाइम ही आपको उसको आप दे सकते हैं, उसको उस टाइम उसको चालू कर सकते हैं। देखिए अभी मैं इसको बंद कर दिया हूँ आर्गन टॉर्च का गैस को, फिर जब चाहिए तो चालू कर दूँगा उसको आराम से, तो कोई दिक्कत उसके लिए नहीं होगा। तो आप देख लेते हैं अभी चालू कर रहा हूँ अभी, क्योंकि यहाँ पर तो फ़ायदा लग रहा है हमको। देखिए दोस्तों अभी मैं चालू कर रहा हूँ इसको, यहाँ से उठाना है और यहाँ पे फिर जो जॉइंट को चालू कर देना है, तो इसको कैपिंग डायरेक्ट मार देंगे डायरेक्ट इसको, क्योंकि कोई ज़रूरत नहीं है इसको कि फिर से आप हीटिंग कीजिए फिर से इसको चालू कीजिए। देखिए दोस्तों तो डायरेक्ट इसको कैपिंग डायरेक्ट मार देता हूँ, तो पावर थोड़ा बढ़ाने के लिए बोला था, इसके लिए मैं उधर चला गया था, फिर से थोड़ा बढ़ा और थोड़ा पावर बढ़ाइए, तो उसके लिए मैं उधर चला गया था, वो कमरा पकड़े हुए थे। देखिए दोस्तों बस उसको लाइनिंग मरा हुआ ऑलरेडी पहले से ही है, बस उसको बीच में सेंटर से ले जाना है दोस्तों, उसको बस इसको। और दोस्तों अगर हीटिंग करना हो तो जितना ज़्यादा पावर लीजिएगा उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, तो उसके लिए तो फिटर साहब बता रहे हैं कि हाँ इतना ज़्यादा लीजिए, इतना ज़्यादा इसको और इसको बाहर से जाने दीजिए, कोई चीज़ मैं भी चीज़ बात हो रहा था तो मैं बोला ठीक है भाई, ओके उतना ही उधर जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा पावर लिया जाता है क्योंकि ज़्यादा पावर लेने के बाद में फ़ायदा ये होता है, जितना ज़्यादा हीटिंग रहेगा उतना ज़्यादा करके वो बाहर निकलेगा जॉइंट, वो इसके वजह से तो फ़ायदा रहता है इसमें। तो देखिए दोस्तों अभी आराम से इसको बस उसको मेल्टिंग नहीं करना, उसको मतलब थोड़ा फाइनल जॉइंट ही मारना है इसको, फाइनल जॉइंट मारने से फायदा रहेगा कि आराम से आपको टेंशन नहीं रहेगा इसमें कुछ करने के लिए, जितना होगा एक बार फाइनल करके चले गए तो बस हीटिंग होते रहेगा आराम से, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। दोस्तों इस एक साइड में हो गया और दूसरा साइड में भी इधर से भी ले लेंगे, ओके दोस्तों इधर साइड से भी इसको करके इसको चले जाएंगे। दोस्तों आर्गन मारने से ये बहुत होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा हीट होता है, बहुत बॉडी भी हीट होता है बहुत ज़्यादा, और पैप भी बहुत ज़्यादा हीट होता है, तो इसके लिए पसीना बहुत ज़्यादा पसीना आता है उस आर्गन जब मारते हैं तो उस टाइम, क्योंकि जब बॉडी गर्म होगा तो ऑटोमेटिक पसीना आएगा ही आएगा, और उस टाइम में ऑलरेडी मैं लगभग 50 टेम्परेचर चला जाता है इस टाइम, इतना गर्मी होता है तो बहुत काफ़ी गर्मी, इस टाइम भी गर्मी जो है तो है, बाकी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, तो इसके ह्यूमिडिटी जब ज़्यादा रहेगा तो उसके हिसाब से आपको ज़्यादा ही आपको पसीना आएगा ही आएगा। देख रहे हैं दोस्तों ये हैंग्लोज सब भिजा हुआ है, जो कवरल जो पहना हुआ है वो सब भिजा हुआ है ऑलरेडी से, तो ज़्यादा गर्मी होता है ज़्यादा पसीना आता ही आता है, उसे पूछना ही कुछ नहीं है। ओके दोस्तों बस इसको यहाँ तक टॉप तक ले आगे, तो अच्छा सिस्टम ये है कि इसमें आपको अच्छा मिलेगा, आपको ये टेंशन नहीं रहेगा
कि बगल में फैन लगा हुआ है, सब कुछ लगा हुआ है, बगल में एसी बस भी लगा रहता है, तो उतना टेंशन आपको नहीं रहेगा। बस काम कीजिए और जाइए इधर से खरीदने के लिए। देखिए दोस्तों, अभी हो गया इतना, बस इसको फैन मार करके पाए। देखिए दोस्तों, अभी इतना तक आ गया, फाइनल जॉइंट हो गया इसको, बस इसको देखिए दोस्तों, अभी इसको एक सौ नया कलर खड़े करेंगे भाई साहब। देखिए दोस्तों, ये पानी लगाना है इसमें दोस्तों, दिखाना अच्छा नहीं वीडियो, क्योंकि ये स्किप करना है इसको, अच्छा सही रहेगा, क्योंकि पानी लगाना अलाउड नहीं होता कहीं पे भी पाइप में लगाना, पर मजबूरी होता तो सब चलता है, कोई दिक्कत नहीं उतना होता है, क्योंकि पानी लगाना उसमें अलाउड नहीं होता, क्योंकि पाइप पानी लगने के बाद में वो जो पाइप का टेम्परेचर होता है वो कम हो जाता है, इसकी वजह से पानी नहीं लगाया जाता है। थोड़ा सा मैं इसको वीडियो थोड़ा मैं स्किप कर दे रहा हूँ, क्योंकि पानी का दिखाना अच्छा नहीं है। बाद में सेकेंड जब अति जो सेकेंड दूसरा जो जब कैपिंग करूँगा तो देखिए दोस्तों, उसको मैं थोड़ा वीडियो थोड़ा स्किप कर दिया हूँ मैं, क्योंकि ज़्यादा तो दिखाना अच्छा नहीं था उसको के लिए। देखिए दोस्तों, दूसरा जो फर्स्ट जॉइंट हो गया, सेकेंड जॉइंट उसको इसको मैं थोड़ा सा मैं वेल्डिंग मार रहा हूँ इसके लिए, तो दूसरा जॉइंट के लिए पास में चला ले आया वो भी सीधा सीधे, क्योंकि दिखाना सही नहीं था वो। देखिए दोस्तों, फिर से नाप रहे थे इसको, कितना कितना क्या है नहीं है, तो वो मार्किंग करेगा यहाँ से लेकर के वहाँ तक जाना है, तो सेंटर से लीजिए कहीं से लीजिए तो एक ही बात आता है, तो बता रहे हैं तो ठीक है, चलो भाई ओके, मुश्किल नहीं है, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, बता रहे हैं कि यहाँ से लीजिए, उठाइए तो अच्छा रहेगा, चलो ठीक है भाई, यहीं से कहीं से उठाना है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो दोस्तों, बस आराम से आपको कैपिंग करना हो तो आराम से आपको, जिसको बोलते हैं फाइनल पास, जो वेल्डिंग करना हो तो आराम से आपको बस जॉइंट को फिलर, कोई भी फिलर देना है, बस उसको मेल्टिंग करते चले जाना है। आप पतला से मार रहे हैं, मोटा से मार रहे हैं, वो देख लीजिए खाली, मतलब आपको मेल्टिंग करते चले जाना है, फिलर डालना है और मेल्टिंग करते चले जाना है। तो धीरे धीरे तो मार रहा हूँ, क्योंकि आराम से जाएंगे तो जाए तो हीट होगा जॉइंट, तो जाए थोड़ा और अंदर, तो जाए थोड़ा अंदर जॉइंट आएगा, वो जल्दी से जल्दी जॉइंट अंदर आएगा, इसके बाद आराम से जा रहा हूँ मैं। तो फिर से हाथ में स्पीड पकड़ लिया, क्योंकि जितना ज़्यादा पावर लीजिएगा उस हिसाब से ज़्यादा आपको हाथ चलाना पड़ेगा, आपको उतना जल्दी जल्दी मूविंग करना पड़ेगा आपको, क्योंकि तो पावर लिए हुए ज़्यादा और उस टाइम से आप कम काम चलेगा तो नहीं निकलेगा काम, तो इसके लिए देखिए दोस्तों, अभी ज़्यादा पावर लिए उसके जल्दी जल्दी करके हाथ चल रहा है और जल्दी करके आ गया सेंटर में दोस्तों, आ गया सेंटर, नहीं आया तो मुश्किल नहीं, सेंटर नहीं भी आया थोड़ा सा और आगे ले लेते हैं। देखिए दोस्तों, अब यहाँ तक आ गया जॉइंट, तो मुश्किल है सेंटर तक ले लेंगे, तो बाद में उधर से उठाने के लिए आसान रहेगा सेंटर करने के लिए। तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ तक आ गया जॉइंट हिटिंग करते करते। तो दोस्तों, वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो दोस्तों, जरूर तो जरूर वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए, और दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि जैसे मैं नया वीडियो डालूँ वीडियो, तो वीडियो से आपको पास वीडियो पहुँच जाए वो, तो इसके लिए दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर रख लीजिए, हमेशा आपको काम पड़ेगा। और दोस्तों, इस पर हमेशा नया वीडियो लेकर आता हूँ, हमेशा जिसमें कि कुछ नॉलेज हो वो वीडियो में लेकर आता हूँ आप लोग के लिए, तो हमेशा जिसमें नॉलेज रहेगा वो वीडियो में आपके लिए लेकर आता रहूँगा, और आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलता रहेगा उस वीडियो से। तो देखिए दोस्तों, अभी इस साइड में दोस्तों हो गया अभी, और दूसरे साइड में अभी मैं फिर से चालू कर रहा हूँ इसमें, तो देखिए अभी इधर से मैं उठा करके इधर से मैं चालू कर रहा हूँ। और दोस्तों, कुछ पूछना हो या कुछ बताना भी हो अगर, क्योंकि बहुत सारे बिल्डर लोग भी देखते हैं वीडियो को, तो जो उसको पूछना हो कुछ बताना हो अगर, तो आप बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ सही था, ये चीज़ गड़बड़ था, कुछ भी चीज़ आपको पूछना हो बताना भी हो आपको, तो आप बताइए हमको भी उससे मालूम पड़ेगा। और जो नए आदमी जो वीडियो देख रहे हैं, उन्हें कुछ अगर कुछ पूछना हो अगर, तो बताइए, मैं उसका जवाब दूंगा मैं आप लोग को। और कुछ मालूम नहीं हमको रहेगा तो उससे पूछ के बताऊँगा मैं आपको, लेकिन कमेंट का जो भी आप पूछिएगा उसका जरूर आंसर आपको जरूर मिलेगा। जो भी लोग सीखना चाहते हैं कि कैसे कैसे वेल्डिंग मारना है, उसके लिए भी वीडियो है ये, क्योंकि उसके लिए ही वीडियो बनाया हूँ मैं, कि जो नए आदमी लोग हैं उनको बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मिलेगा इस वीडियो से। तो इसके लिए दोस्तों, इससे अच्छा रहेगा आप लोग को लिए कि चैनल को सब्सक्राइब कर रखने के लिए फ़ायदा रहेगा आप लोग के लिए। ओके, तो चलते हैं वीडियो पर हम लोग सीधा। हम लोग देखिए दोस्तों, ये इतना जॉइंट तो हो गया अभी ऑलरेडी दोस्तों, ये लास्ट चल रहा है, इसको बस जीरो करना है। देखिए दोस्तों, उंगली आगे, ध्यान नहीं दे रही कैमरा पे, उंगली आगे, उंगली आ रहा है कैमरा पे, वो ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस फिर जीरो करना है, फिर जीरो हो गया पावर। देखिए दोस्तों,
दोस्तों फिर से भी उसको फिर से दोस्तों उसको ब्रश मारना है दोस्तों, ब्रश मार के दोस्तों उसके बाद फिर उसको फिर से वही लगाना है जो पानी जो लगाते हैं, तो वही लगा कर फिर से सीधा करना है इसको है। तो देखते हैं कितना आता है नहीं आता है। जब एक जॉइंट को हीटिंग किया गया तो उस टाइम में लगभग नहीं कुछ भी 4-5 मिनट तो आ गया था और 4-5 मिनट और आना था। देखते हैं इसमें आ गया तो ठीक है, नहीं तो फिर से हीटिंग करना पड़ेगा इसको। तो दोस्तों यही प्रोसीजर है इसमें कि आराम से आप उसको हीटिंग कीजिए, हीटिंग के बाद में नहीं आता तो पानी लगाइए, उससे भी नहीं होता है तो बाद में फिर उसको ज़्यादा हीटिंग कीजिए। लेकिन दोस्तों एक ऐसे चीज़ और दिखाते हैं एस एस में ओनली एक बार में हीटिंग कीजिए तो उतना आ जाएगा, दूसरा बार करने से नहीं आएगा, दूसरा बार करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, क्योंकि ये जॉइंट जो हम लोग को इतना ज़्यादा ईजी से नहीं आया था तो क्या कि हम लोग नीचे वाला जॉइंट हम लोग काट दिए थे इसको, क्योंकि ये स्पूल थोड़ा बड़ा था हो गया, इसकी वजह से हम लोग इस स्पूल को काट कर फिर नया स्पूल उसमें हम जोड़ दिए थे हम लोग इसमें। तो उतना मुश्किल नहीं हुआ, बाद में आसानी से काम सब काम हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इसके दोस्तों कोई दिक्कत नहीं इसमें हुआ। ओके दोस्तों फिर नमस्कार दोस्तों, वीडियो ख़त्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो जरूर दोस्तों लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए और दोस्तों चैनल सब्सक्राइब कर रख लीजिए। ओके दोस्तों।